जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट निकल कर आ रहा है, आप सभी को बताना चाहता हूं कि परीक्षा शुल्क माफ़ होने से पीएससी और व्यापम जो है दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसका भुगतान आप लोगों को, छात्रों को ही जो है बहुत बड़ी परेशानी जो है हो सकता है। तो 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा पर पड़ेगा सबसे बड़ा असर, इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आ रहा है। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छात्राओं के लिए जो है शिक्षक भर्ती में जो है सबसे बड़ी बुरी खबर जो है इस वक्त निकल कर आ रहा है। आपको बताना चाहता हूँ कि 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा आपका जो है स्थगित हो सकता है। जी हाँ, इस पर स्टे लगाया जा सकता है और आप लोगों के मेहनत पर जो है पानी फिर सकता है। आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत से भर्ती हैं जिन पर जो है स्टे लगाया जा रहा है एक के बाद एक। सबसे महत्वपूर्ण सीजी व्यापम में जो है दो भर्ती जो होना था उस पर भी स्टे लगाया गया है। पहले जो है छत्तीसगढ़ में जो है सीजी व्यापम में एसआई सब इंस्पेक्टर सूबेदार प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के 6 नवंबर को आपका जो है एग्ज़ाम्स होना था। 6 नवंबर को एसआई का जो है प्री एग्ज़ाम्स होना था, उस पर स्टे लगा दिया गया। इसके साथ संयुक्त भर्ती परीक्षा का जो है कौंसल पेपर होना था, उस पर भी स्टे लगा दिया गया। इसके साथ जो है सीए के पेपर जो होना है उस पर भी स्टे लगाया गया है। साथ ही सीजीपीएससी में मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया है, स्टे लग गया है। साथ ही सीजीपीएससी में ही ऐसे वन विभाग में एसीएफ भर्ती का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है और स्टे लग गया है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट निकले थे उस पर भी स्टे लग गए हैं, और काफ़ी स्टूडेंट का पहले सिलेक्शन हो गया था 58% आरक्षण के अनुसार, लेकिन अब बाकी स्टूडेंट का सिर्फ 50% आरक्षण के अनुसार सिलेक्शन होगा। ऐसा हो रहा है तो बाकी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और उनका कहना है कि बाकी का तो 58% के अनुसार सिलेक्शन हो गया और हमारा 50% अनुसार हो गया। तो 50% के अनुसार मतलब जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होने वाला था उन स्टूडेंट का भी सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। और अभी ही रिसेंट में छत्तीसगढ़ में जो है सी जी टेट का जो है मॉडल आंसर जो है और रिजल्ट जो है जारी हुआ है। तो आरक्षण छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण का मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहा है, और आरक्षण के मुद्दे की वजह से बहुत से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और एक के बाद एक जो नई नई भर्ती, नई नई वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट्स निकल रहे हैं उन पर जो है स्टे स्थगित भर्ती परीक्षा जो स्थगित हो रहे हैं, जिससे छात्राओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहे हैं। क्योंकि जाहिर से बात है जब भर्ती परीक्षा स्थगित होगा तो इसका परिणाम जो है भुगतान जो है छात्रों को ही उठाना पड़ेगा, और छात्रों के लिए जो है सबसे बड़ी बुरी खबर है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी जहाँ सी जी व्यापम में जो है फॉर्म फिलअप करते हैं और तो उसमें जो है निःशुल्क रहता है, किसी भी प्रकार का आपको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता, जिसके वजह से व्यापम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लगभग अभी सी जी टेट का एग्ज़ाम्स हुआ था जिसमें 2,31,000 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से सी जी व्यापम को 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ। क्योंकि परीक्षा शुल्क ना होने की वजह से जिनके पास बी एड और डी एल एड का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स नहीं था फिर भी उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, तो जिससे अनेकों जो है परेशानी एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। तो आपके आने वाले समय में जो ऐसा हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षक भर्ती परीक्षा पर पड़ेगा असर, ये भर्ती परीक्षा भी आपका स्थगित हो सकता है। लेकिन आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचकर जो है परेशान होने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, जितना हो सके आपको अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, जितना हो सके आपको सिर्फ अपनी स्टडी पर ही फोकस करना है। आप सिर्फ अपनी स्टडी पर ही ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों के बारे में जो है आप ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है अच्छे से हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण का मुद्दा तो हो ही रहा है, आने वाले समय में इस पर कोई ऑफिशियल क्लियर पता चल जाएगा कि आरक्षण के मुद्दे जो 50% हुआ है वो बढ़ सकता है या नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुका है, और माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अच्छे ही कदम, सराहनीय कदम उनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका दायर किया गया है तो 58% आरक्षण बढ़कर आपका जो है बढ़कर फिर से आपका 62% या फिर 72% तक फिर से चला जाएगा। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स के बारे में सोचना है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में वैसे भी सबसे बड़ी भर्ती आपके शिक्षक का ही पोस्ट है 12,489, और 21 अक्टूबर को सी जी टेट का रिजल्ट जारी हुआ, और लगभग 7.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम्स फॉर्म फिलअप किया था, और 4.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें सिर्फ 75,000 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाए हैं, बाकी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो यदि आप में से काफ़ी स्टूडेंट जिनका सपना है टीचर्स बनना,
और आपका यदि CGTET एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई नहीं हो सका तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है CGTET क्वालीफाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास एक अवसर है, लास्ट है, ऑप्शन है, अंतिम मौका है, वो है आपका CTET। यदि आप CTET एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और CTET एग्ज़ाम में आपका क्वालीफाई हो जाता है, फिर आप जो है टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा में आराम से जो है शामिल हो सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता। तो CTET एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन तैयारी आप जो है कर सकते हैं और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होता, बस आप लोगों के सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ आपके सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। तो सोच को छोटा मत कीजिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो है सहकारिता विभाग में सबसे बड़ी भर्ती आपके जो है 3000 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है। सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के, जिसमें समिति प्रबंधक के अकेले 1700 पोस्ट होंगे और हर 5 समितियों में जो है एक सुपरवाइज़र के, यानी कि 2058 पदों पर भर्ती होना है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती जारी होने वाला है। तो बस आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना है, मेहनत करना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जो है देखने को मिल जाए। तो बस इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होता, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता और आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जो है सोचकर परेशान होने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो CTET एग्ज़ाम्स की तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। आप लोगों के पास जो है 2 महीने का टाइम है तो 2 महीने में भी आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। तो आप लोगों से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी सबसे पहले मिल सके। और आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट डेली मेरे वीडियोस को डेली रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। चैनल पर आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आप लोगों को जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ सभी वीडियोस आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को एजुकेट कर सकूँ और आप लोगों को नई नई जानकारी प्रोवाइड करा सकूँ। तो आने वाले समय में ये अपडेट्स आने वाला है। तो परीक्षा शुल्क माफ़ होने से PSC और व्यापम जो है परेशान है और 12489 शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा असर, सबसे बड़ा असर। और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, छात्राओं के लिए शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ी बुरी खबर है, अब क्या होगा। तो आने वाले समय में जब भी कोई अपडेट्स निकल कर आएगा आपके आरक्षण के मुद्दे को लेकर, तो जब भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर नई नई अपडेट्स या कुछ भी जो नोटिफिकेशन निकल कर आएगा मैं आप सभी स्टूडेंट को जो है बता दूंगा। तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें और वीडियोज़ को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके और बाकी स्टूडेंट को भी जानकारी मिल सके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।